हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रेखा। आपका स्वागत है रेखा साउथ किचन में। आज मैं आपके साथ मिनी केक की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस केक में आपको तीन तरह के फ्लेवर मिलेंगे। फिर आपको आइसक्रीम भी मिलेगी और डिजर्ट भी मिलेगा और आपको लगेगा कि केक भी आप खा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले चार ब्रेड ले लेते हैं और ये देखिए मैंने यहाँ पे व्हाइट ब्रेड ली है, आप चाहें तो ब्राउन भी ले सकते हैं। तो ब्रेड को रखते हैं साइड में और एक हम कटोरी ले लेते हैं। आपके पास गिलास या जो चीज़ आपके पास साइज का हो आपके पास, उसे आप कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कटोरी से आपको कट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए तो इस तरह से हमें सभी ब्रेड को काट लेना है। तो मैंने यहाँ पे चार ब्रेडों को बराबर से इस तरह से काट लिया है। ये देखिए कटोरी से काट कर तैयार कर लिया है। ये बहुत अच्छी साइज हमारी कट कर कंप्लीट हो चुकी है और इस ब्रेड के टुकड़े को आप फेंके नहीं, इससे कोई भी नाश्ता बना सकते हो और चाहे तो आप ब्रेड क्रम्स बनाकर भी किसी नाश्ते में यूज कर सकते हो। अब बाउल में दूध ले लेते हैं, थोड़ा सा ही नहीं है, ज़्यादा नहीं, एक कप के करीब हमने दूध ले लिया है। और इसमें अब डालेंगे वेनेला कस्टर्ड पाउडर, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है। दो चम्मच डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं। दूध हमें नॉर्मल टेम्परेचर का चाहिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जिससे इसमें लम्स ना रहे। तो लीजिए हमारा घोल कंप्लीट हो चुका है, बस इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेना है। तो इसको रख देते हैं साइड में। अब गैस पे पैन रख लेते हैं और पैन में एक लीटर दूध डाल देते हैं। इसी से मैंने थोड़ा सा दूध निकाल कर ले लिया है। आपके पास जैसा दूध हो वैसा ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं कि आपको फुल फैट ही लेना है। दूध में उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम लो टू मीडियम कर देते हैं जिससे दूध हमारा उबले नहीं। थोड़ी देर इसे हम इसी तरह से पका लेते हैं और थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। दूध अच्छे से उबल चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच शक्कर, मीठा आप अपने अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5 चम्मच शक्कर डाल दी है। अब शक्कर को घुल जाने देते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे शक्कर भी अच्छे से घुल चुकी है। अब इस टाइम पे हम डाल देते हैं वेनेला कस्टर्ड पाउडर का जो हमने घोल बनाया है, इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेते हैं। ये नीचे जम जाता है इस वजह से थोड़ा सा इस पर चम्मच हिला लें। तो लीजिए हमने हिला दिया। अब इसे हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देते हैं और इस तरह से हम चम्मच भी चलाते जाएंगे। ये बहुत ही जल्दी गाढ़ा होना स्टार्ट होने लगता है, इस वजह से आपको चलाते चलाते ही डालना है, नहीं तो इसमें लम्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मैं इसमें सारा डाल देती हूँ। अब इसी तरह से लगातार इसे हम प्रॉपर चलाते हुए ही गाढ़ा कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो इसमें लम्स पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारी जो रेसिपी है वो टेस्टी नहीं बनेगी। इसलिए आप इसे कंटिन्यू बराबर चलाते हुए ही इसको गाढ़ा करें। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दूध गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। बस इसी तरह से बराबर चलाते हुए इसे दूध को हम और ज़्यादा गाढ़ा कर लेते हैं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कस्टर्ड तैयार हो चुका है। ये देखिए मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। बस इस तरह से हमें बनाकर कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको चम्मच से इसकी कोटिंग भी दिखा देती हूँ। ये देखिए पीछे की तरफ बहुत ही अच्छे से कोट हो रहा है, यानी हमारा कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। अब मैंने यहाँ पर वेनेला एसेंस ले लिया है, ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इसे मैं 1 चम्मच डाल देती हूँ, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए वरना इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब एक बाउल ले लेते हैं और इसमें कस्टर्ड डाल देते हैं। गरम गरम ही डालेंगे, ठंडा नहीं हमें करना है। तो मैंने कस्टर्ड को डाल दिया है। अब मैं इसमें टूटी फूटी डालूंगी, आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट भी ले सकती हूँ जो आपको पसंद हो। थोड़े से मैं इस पर टूटी फूटी डाल देती हूँ, ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। इस तरह से मैंने डाल दिया। अब इसी में मैं ब्रेड रख देती हूँ। बस इस तरह से हमें कवर कर देना है, अच्छे से कवर करना है और फिर से हम कस्टर्ड दूध डाल देते हैं। अब फिर से हम टूटी फूटी डाल देते हैं और फिर से हम ब्रेड रख देते हैं। बाउल को हमने पूरा कवर कर दिया है और ये अच्छे से फिल हो चुका है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं जिससे ये ठंडा हो जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।
और जो हमारा कस्टर्ड बचा है तो मैं उससे आपको दूसरी रेसिपी बता देती हूँ कि ये हमारा बच गया है, इसका हम क्या करें। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आइसक्रीम मोल्ड ले लिए हैं और यहाँ पे थोड़ा सा टूटी फूटी डाल देते हैं। तो लीजिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब दूध को इसी में हम फिल कर देते हैं, ये आइसक्रीम भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो लीजिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने सभी को फिल कर लिया है। अब इस पर फिर से हम टूटी फूटी डाल देते हैं। आप टूटी फूटी की जगह पे ड्राई फ्रूट भी ले सकते हो, वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। जब आप आइसक्रीम में ड्राई फ्रूट या टूटी फूटी डाल देते हो तो उसका स्वाद दुगना बढ़ जाता है। तो लीजिए मैंने डाल दिया। अब मैं यहाँ पे किचन फॉइल ले लेती हूँ। अगर आपके पास किचन फॉइल नहीं है तो आप कोई भी प्लास्टिक की शीट ले लेते हैं और उससे कवर कर दीजिए और एक यहाँ पे प्लास्टिक लगा के कवर कर दीजिए। मैंने यहाँ पे इस तरह से कवर कर दिया। तो लीजिए ये अच्छे से कवर हो चुका है। अब नाइफ ले लेते हैं, नाइफ से हल्के हल्के से गोल कर देते हैं। अब मैंने आइसक्रीम स्टिक ले ली है, इसको हम डाल देते हैं। अब आइसक्रीम स्टिक हमने डाल दिया है तो इस तरह से आपकी आइसक्रीम मार्केट जैसी लगेगी, जैसी आपने मार्केट से ली हो, बस उसी तरह से आपको खाने में आनंद आएगा। तो फ्रेंड्स आप भी इसी तरह से बनाइए और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो मेरा मोल्ड भी कम्प्लीट हो चुका है और बाउल भी कम्प्लीट हो चुका है। तो मोल्ड को रखेंगे हम फ्रीजर में और बाउल को रखेंगे फ्रिज में। तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मिनी बाउल केक सेट हो चुका है। मैंने इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, बस इसी तरह से आपको भी सेट कर लेना है। और आइसक्रीम को भी मैंने ओवरनाइट के लिए फ्रीजर में रख दिया था तो ये भी बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसमें थोड़ा सा हम चाकू लगा देते हैं, किनारे से चाकू लगाएंगे। बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस हमारा केक बनकर कम्प्लीट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे एक प्लेट ले ली है और इसे हम इस तरह से गिरा देते हैं। तो लीजिए हमारा यम्मी डिलीशियस मिनी केक बनकर कंप्लीट हो चुका है और ठंडा ठंडा भी। ऐसा केक आपने पहले कभी नहीं खाया होगा। तो इसमें मैं अब टूटी फूटी डाल देती हूँ थोड़ी सी ऊपर से, जिससे और भी ज़्यादा टेस्टी और देखने में यम्मी लगे। तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा मिनी बाउल केक बनकर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए किस तरह से ये हल्का हल्का सा हिल रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हमारा मिनी केक बनकर कंप्लीट हो चुका है। अब केक को रख देते हैं साइड में और यहाँ पे मैं मोल्ड ले लेती हूँ, किचन फॉइल को निकाल देते हैं और आइसक्रीम को भी इस तरह से हम घुमाते हुए, थोड़ी देर पहले मैंने इसे बाहर निकाल कर रख दिया था फ्रीजर से, ये अच्छे से निकल आएगी। आप चाहें तो इसे पानी में भी रफ कर सकते हैं तो उससे भी आराम से निकल आती है। ये आइसक्रीम भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो इस तरह से घुमाते हुए आइसक्रीम को निकाल लेते हैं। ये देखिए कितनी ज़्यादा हमारी टेस्टी आइसक्रीम बनकर कम्प्लीट हो चुकी है। मैं आपको घुमा कर दिखा देती हूँ। बच्चे तो इसे खाकर खुश हो जाएंगे क्योंकि इसमें टूटी फूटी डली है। बस इसी तरह से हम सभी आइसक्रीम को निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी दोनों डिलीशियस रेसिपी बनकर कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।